9 फरवरी के दिन हमारे बच्चों का पेपर है, क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का, उनके लिए एक यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, जल्दी जल्दी इनको पढ़ेंगे और इसी में से गारंटी 50 से 60 नंबर का फंसेगा आपका। अब जिनको चाहिए अच्छे नंबर वो तो जरूर देखिएगा। बाल का नाम इतस्य पदस्य विभक्ति अस्ति तो षष्ठी, रमा शब्दस्य पंचम विभक्ति रूपम अस्ति तो रमाया, पितृनम इतस्मिन पदे विभक्ति अस्ति तो षष्ठी विभक्ति आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो फलम शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति फलाय, आम अपि आपनम गच्छामि तस्मिन् वाक्ये अव्ययम् तो अपि प्रकृतिक वातावरण है, क्षणम संचरणम तो अपि आ जाएगा। यहाँ से रिक्त स्थान की बात करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, शीतुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय तो यहाँ पर तुमन प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, तुमन प्रत्यय है, ठीक है। और हसन इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति तो श्रत प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। बालिका इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति तो टाप प्रत्यय आ जाएगा, क्या आएगा, टाप। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्शसा तो गहन कानने आ जाएगा, गहन कानने। और यदि हम बात करें इसकी तो इसमें जाएगा जम्बुकम अतिथि केन प्रबद्धता पाद ध्वनिना, ठीक है भैया। अब है शुद्ध अशुद्ध है तो पहला आपका आम है, दूसरा भी आपका आम तोड़ लेना, तीसरे में ना बाबा ना, ठीक है, पांचवे में फिर आम, छठे में फिर आम, पढ़ लेना, थोड़ा सा समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं तो बुद्धिमती, ठीक है, केन बुद्धिमती केन उपेता पितु ग्रहम प्रति चलिता, तो देखिए यहाँ पर केन हट जाएगा और इसकी जगह पर आपका जाएगा पुत्र द्वे यो पेता, पूरा विषय का वैसा लिख देना पूरा, है ना, अभी केन हटा गया ये शब्द घुसा उसी जगह पे। चलिए ना, राम यो रामया कुशलयो कंठा श्लेष्य स्पर्शा की दृशा आसित, तो देखिए यहाँ से की दृशा हट जाएगा और हृदय ग्राही आ जाएगा, पूरा वैसा का वैसा करना है। कवि किमर्थ प्रकते शरणम इच्छति, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा बड़ा रहेगा और लिख भी देता हूँ मैं, अर्थ अत्र और ये डे डे करके यहाँ से ये मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ आपको, है ना, क्वेश्चन नंबर ये 7 है, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेना आपको अथवा वाले का, इंद्रा दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान, तो यहाँ पर आपका जाएगा कष्टानी के बाद में अपाकर्तुम और किम, किम हट जाना है आपको और वृष्टिम लिख देना है, क्या लिख देना है, वृष्टिम, ठीक है। और अगला देखते हैं भैयू, अगला क्या है आपका, 8वां है ना, ये यहाँ से देख सकते हैं आप 8वां और ये इसका अथवा है, ये थोड़ा छोटा कर दूँ, हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 को छोड़ देना है क्योंकि ये मेरे को नहीं मिला, आप कर लेना कंप्लीट, है ना भैया, ये यहाँ से हो गया है और 9 के बाद में ये आपका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा, स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा का यहाँ पर आपको मिलेगा, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, निर्धना जना कम वित्तम उपार्जित वान, तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन 10वां और कथम हटा देना है और इसकी जगह पर आपको लिख देना भूरी, नारानाम प्रथम शत्रु का, तो नारानाम प्रथम शत्रु यहाँ से काट जाएगा और कह जाएगा क्रोधा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसको ध्यान से देखो और यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है इसको हटा के आपको का लिख देना है, क्या लिख देना है, का। और प्रश्न जब बन जाए पूरा तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाइएगा, ठीक है। दूसरे में आपको तस्मे हटा देना, ये लाइन लिखी हुई है पर बारी, इसकी जगह पर आपको कस्मे लिख देना है, क्या कर दोगे, कस्मे। और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये पूरा प्रश्न लिखना है ना, तो पता चले मैंने इतना लिखा जैसे पूरी लाइन लिखना है इसको हटा के। और ये यहाँ पर इसका जाएगा केसु,
और ये पूरा टिक मार गया। अब अगला है आपका वाक्यनि का कम प्रति कथ्यति, ठीक है, किसने किसको कहा। तो का पहले का वीरम वीरम आत्म ग्लास से आते, देखिए यहाँ पर जो पहला रहेगा ना मेरा वो का वाला है ना, और दूसरे वाला जो रहेगा कम वाला रहेगा, समझ जाना। तो पहले का जो है अपना इसका जाएगा मयूरा ने बकम को कहा था, दूसरा जो है सुर सुराधीपा का जाएगा सुर भीम, तीसरे का जाएगा काका का पीकम आ जाएगा। हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है सुभाषतानी इसलो की, जो अपन ने पिछले वीडियो में देख भी लिए है ना, नहीं देखा है तो देखना है आपको ना भैया। चलिए अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 14वां है उसको ध्यान से देखना है। राम सर्प विभेति, तो यहाँ पर देखिए सर्प हट जाएगा ये, और सर्पात लिखना है आपको। हो गया। अहम मोदकम खदा खादती, तो खादती हटा के क्या लिखेंगे, खदा खादामी लिखेंगे, पूरा लिखना है, नहीं तो पता चले मैं हटाने की बात कर रहा हूँ ताकि याद करने में सिंपल होगा बस। ठीक है, त्वम नाम किम, त्वम नाम किम का जगह पाया तव नाम किम, ये त्वम हट जाएगा। श्री राम नमः, रामम हट जाएगा, देखिए रामाय आ जाएगा। श्री गणेश नमः, श्री गणेशाय नमः, इस तरह कैसे। ओके भैयू, ये इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको ध्यान से देखते हैं। इसमें क्या जाएगा, पहले में सदा है, दूसरे का मिलान आपको संख्यम करना है, तीसरे में रिपु, चौथे का बुद्धिमति, पांचवा जो आ जाएगा प्रथम मो, छठा जो है एव आ जाएगा। कर पाओगे इतना, यहाँ से देख सकते हैं बढ़िया से, गारंटेड मामला है भाई साहब, ऐसा नहीं है, रियल नहीं है, पर हाँ बिल्कुल विश्वास के साथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन बच्चों की बनाई और हिंदी में अजमा ही लिया है, जिन बच्चों ने अजमाया है।